मंदसौर में पुलिस ने एक कार से 60 ग्राम मादक अवैध पदार्थ जब्त कर दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों लोग पेशे से शिक्षक हैं। मंदसौर में अवैध मादक पदार्थ परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना प्रभारी दलौदा संजीव सिंह परियार व उनकी टीम ने अल्टो 800 कार से 60 ग्राम अवैध मादक पदार्थ जब्त कर दो शिक्षक तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को खबर मिली थी कि अयूब खान पठान और याकूब खान पठान नाम के दो भाई एक सफ़ेद रंग की ऑल्टो कार में मादक पदार्थ इसमें छिपाकर प्रतापगढ़ से नंदावता की ओर जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी की और सूचना के आधार पर एक सफ़ेद ऑल्टो कार की तलाशी ली जिसमें मादक पदार्थ पाया गया। तस्करी करने वाले दोनों भाई शासकीय शिक्षक हैं। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दलौदा थाना अंतर्गत सवनी संतोष मुनिया को मुखबिर सूचना मिली थी कि अल्टो कार से दो व्यक्ति इसमें की तस्करी कर रहे हैं, जिनको यदि दबिश दी जाए तो पकड़ा जा सकता है। सूचना विश्वसनीय होने से कार्रवाई की गई, जिसमें 60 ग्राम अवैध इसमें पकड़ी गई है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।